हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देरी हो गई आज, गाड़ी ख़राब। मैं मैच खेलने जा रहा था तो रास्ते में ही मेरी गाड़ी का पता नहीं क्लच काम नहीं कर रहा है, तो क्लच एकदम फ्री हो गया तो गियर वगैरह लग ही नहीं पा रहा है, तो एक जगह गाड़ी रोकी है। मैंने टोइंग वैन को कॉल कर दिया सर्विस सेंटर ड्रॉप करने के लिए, तो मैं टोइंग वैन का वेट कर रहा हूँ। नुकसान हो गया तो क्लच में मैंने पता किया है, तो खर्चा थोड़ा ज़्यादा है। मैं वेट कर रहा हूँ अपनी गाड़ी में ही, टोइंग वैन वाले अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर लगेगा उनको आने में, तब वेट करता हूँ उनकी, फिर बताता हूँ आपको क्या स्टेटस है गाड़ी का। बैठे बैठे नुकसान हो गया। अभी एक महीना कह लो या 20 दिन पहले ही मैंने सर्विस कराई थी गाड़ी की, तब कुछ नहीं था। अभी मेरे को लग रहा था कुछ टाइम से कि क्लच में थोड़ा सा वो आ रहा है कि अटक रहा है क्लच मेरा गाड़ी का, ये सब। तो अब यही पता चला। अभी तो चल रही थी फिर, लेकिन एकदम से हो गया। मैं देखो, मैं पूरे किट विट में अपना रेडी हूँ, मैं मैच खेलने जा रहा था। आज मेरा सेमीफाइनल था, लेकिन अब मैं नहीं जा पाऊँगा, तो यहाँ से हार्डली 50 मिनट्स की दूरी पे ही ख़राब हुआ है। कितनी देर हो गई है वेट करते करते। अभी ड्राइवर को कॉल करा है, ड्राइवर भी बोल रहा है कि अभी भी उसे 15 से 20 मिनट लगेंगे। A few moments later. तो आ गई हमारी टोइंग वैन, 45 मिनट से प्रोसेसिंग को लग गए। बोल लो आगे से। अब ये गाड़ी टो करने का प्रोसेस ये स्टार्ट करेंगे। ये मशीनरी, इसमें ही आगे के फ्रंट टायर्स, ये दो आप देख रहे हैं एंगल्स, इसमें दोनों फ्रंट टायर फंसाएंगे। तो मैंने देखा था, कभी मैंने करवाया नहीं है टो अपनी गाड़ी, फर्स्ट टाइम ये टो हो रही है। सो अभी ये मैनेज करेंगे, इस पर लगाएंगे, फिक्स करेंगे ताकि टायर वगैरह हिले नहीं, तो बैलेंस नहीं बनेगा गाड़ी का, तो फ्रंट टायर ही लिफ्ट होगा इसका। तो हमारी गाड़ी हो गई है टो, अब हम लोग निकल चुके हैं। मैं भी ड्राइवर के साथ ही सर्विस सेंटर जा रहा हूँ। हार्डली 15-20 मिनट्स लगेंगे यहाँ से पहुँचने में। सो मैं पहुँच गया हूँ सर्विस सेंटर। मेरा बम बहुत पेन कर रहा है, इतनी वाइब्रेशन हो रही थी इनकी सीट्स पे, मेरे को इतना मतलब आदत नहीं है ऐसे बैठने की। ये लोग ड्राइवर लोग पता नहीं कैसे बैठ जाते हैं। सो बहुत पेन हो रहा है। फ्रेंड्स, मैं निकल चुका हूँ, गाड़ी ड्रॉप कर दी है मैंने सर्विस सेंटर में। सो मैं यहाँ से, मेरे को गाड़ी मिलेगी कल, तो कल दोपहर के आसपास मिलेगी, बट मैं ऑफिस आने के बाद ही आऊँगा पिकअप करने गाड़ी में। पूरा क्लच ख़राब हो गया, पूरा क्लच ठीक होगा। सो आई डोंट नो भी कितना खर्चा आएगा क्या है, मेरे को पता चलेगा कल एग्जैक्टली, क्योंकि अभी बहुत सारी गाड़ियाँ थी इनके पास, आज संडे भी है तो बहुत सारी। तो मैं निकल गया हूँ जिप राइडर के साथ, ऐसे ही ये मिल गया था मुझे। मैंने कोई बुकिंग नहीं करी थी, पूछ रहा था भैया आप कहाँ जा रहे हो, तो मैंने उसको बताया कि मैं मेरे रास्ते में ही पड़ेगा, तो इसने बोला, तो मैं इसके साथ ही निकल रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है। तो बैक होम फ्रेंड्स, सो मैं घर पहुँच गया हूँ। सो भूख भी मेरे को बहुत लग रही है। सो गाड़ी मिलेगी मेरी कल शाम के आसपास, मैं लेने जाऊँगा। सो मैं चेक करूँगा कितने बजे तक मैं जाता हूँ, तो आपसे मिलूँगा मैं कल। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।
सो फ्रेंड्स, मैंने गाड़ी अपने ऑफिस ही मंगवा ली है। डायरेक्ट उन्होंने ड्रॉप करा दिया था क्योंकि मैं जा नहीं पाया था, और गाड़ी मैंने बोल दिया था कि ड्राई क्लीन भी कर दो, इन्होंने ड्राई क्लीन भी बहुत अच्छी करी है। सो आपसे मिलता हूँ जल्दी मैं। फ्रेंड्स, सो अभी हम आए हैं पराठे खाने। सो हम लोग सबका अभी मूड खराब था थोड़ा गाड़ी वाड़ी की वजह से, और सो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा फैमिली के साथ आउटिंग करते हैं। हम लोग थोड़ा सा बाहर आए हैं थोड़ी देर के लिए। ये पराठे वाला है, बहुत भीड़ लगी रहती है। आप देखो एकदम कैसे भीड़ है, कैसे फुल है यहाँ पे। सो मैंने दो पराठे लिए, अभी मैं आपको बताता हूँ मैं पराठे खा के कितना फर्स्ट टाइम आया। मैंने सुना था कि यहाँ पर पराठे अच्छे मिलते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ ये इसके पराठे कैसे हैं, रिव्यूज़ आपको दूँगा। ये आनंद विहार के पास है, इसके पास चाय भी बहुत अच्छी मिलती है। तो अभी चलते हैं, अभी दिखाता हूँ आपको पराठे लेकर आता हूँ। ये है मिक्स पराठा, तो पराठा नहीं बहुत बड़ा पराठा है, बहुत गर्म है। अभी से जल्दी से पकड़ लो, मेरा हाथ बहुत गर्म है। जल्दी जल्दी जल्दी, गर्म है बहुत। ये मिक्स पराठा है, है? ये है आलू प्याज, अब मैं आपको खा के बताता हूँ कैसा है। अब ये गेट कौन खोलेगा, गेट तो खोल दो, गेट खोल दो, बाहर रह गया, पूरा नहीं खुला, पूरा नहीं खुला, मतलब गेट खोल दो, कोई तो खोलो, रहने दो तुमको, कोई गेट ही नहीं खोल रहा है भाई, मुझे खोलना पड़ रहा है। देखो ऐसे तो निकम्मे घर वाले हैं मेरे। तो ये है मेरा पराठा, मैं पूरा नहीं खाऊंगा, खाऊंगा मैं थोड़ा सा ही। इन दोनों महाशय को देखो कैसे पराठा बेले जा रहे हैं, पीछे आराम से चौड़ों के चाय भी पी रहे हैं। ये मेज पे लगी हुई है, मैं पराठा खा के आपको बताता हूँ कैसा लगा मुझे। नाइस, पराठा बहुत अच्छा है। अगर आप आनंद विहार के आसपास रहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। ये पैसिफिक मॉल के बिल्कुल अपोजिट है, तो आप लोगों को पता होगा जो आनंद विहार के आसपास रहते हैं, जो पैसिफिक मॉल का है उसके अपोजिट है बिल्कुल। सीरियसली बहुत यम है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कर लो। तो अब हम लोग निकल चुके हैं फ्रेंड्स घर के लिए। यहाँ पे चार पाँच है पराठे वाले, लेकिन भीड़ सबसे ज़्यादा विकी पराठे वाले पे ही है, तो उसका पराठा सही में अच्छा था। सो अब हम जा रहे हैं घर, आपसे मिलते हैं जल्दी। That's it. That is Ankuja Vlogs. Bye guys.